मरिया दुखियों की सांत्वना। हम प्रतिदिन माता मरिया से प्रार्थना करते हैं, प्रणाम हे रानी, दयालु माता, हम इस दुखपूर्ण संसार में रोते तथा विलाप करते हुए तेरा नाम लेते हैं। हाँ, ये संसार दुख से भरा हुआ है, इसलिए मानव को हर प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। गरीबी, शोषण, बीमारी, बेरोजगारी, बैर, ढा, जलन, लड़ाई झगड़े तथा अन्य समस्याएं मानव जीवन के साथ बनी रहती हैं। जब इस संसार में मानव की यह परिस्थिति है तो हमें किसी ना किसी की आवश्यकता होगी ही, अन्यथा ये जीवन जीना दूभर हो जाएगा। मानव तथा सांसारिक वस्तुओं से हमें पर्याप्त सहायता नहीं मिल सकती तो हम कहां जाएं? हम अपने दुख कष्ट किसे बताएं? किससे सहायता की अपेक्षा करें? हमारा प्रेमी सृष्टिकर्ता प्रभु येसु दयालु एवं करुणामय ईश्वर है। उसने हमें ऐसी दयनीय परिस्थिति में भी नहीं त्यागा है। वो हमें प्रेम पूर्वक आमंत्रित करता और कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वयं अपनी पवित्र माता के संरक्षण में मानव जाति को सौंप दिया कि वो दीन दुखियों को सांत्वना, निर्बलों को बल और सहसा जरूरतमंदों को सहायता तथा बीमारों को स्वास्थ्य प्रदान करें। माता मरिया को येसु के जन्म से मरण तक दुखों का सामना करना पड़ा, अतः वो मानव जाति के दुखों को भली भांति समझती है। अतएव प्रार्थी की याचना स्वीकार करने हेतु सदैव तैयार रहती है। इस प्रसंग में संत अन्यनैन ने कहा है, सब संतों में माता मरिया ही अधिक दयालु और करुणामयी है, जिसे मानव जाति के दुखों पर दया आती है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सहायता करने के लिए वो प्रस्तुत रहती है। वो हमें शिक्षा भी देती है कि हम दुख कष्टों के समय विचलित ना हों, परंतु उन्हें धैर्य पूर्वक सहने का प्रयास करें। सहनशील व्यक्ति ईश्वर की योजना में सहर्ष योगदान प्रदान करता है, ईश्वर की इच्छा पर चलता है, ईश्वर पर अटल विश्वास रखता है, गरीबी और दीनता का मूल्य समझता है और परोपकार की भावना रखते हुए अन्य व्यक्तियों के समक्ष उत्तम आदर्श प्रस्तुत करता है। इस प्रकार भले कार्यों द्वारा वो ईश्वर की महिमा करता है। दृष्टांत: किसी परिवार में एक माता के कई पुत्र पुत्रियां थीं। एक पुत्र का, जिसे वो सबसे अधिक प्यार करती थी, अचानक स्वर्गवास हो गया। उस महिला के दुख की सीमा न रही। दुख के कारण वो आंसू बहाती रही। लोगों की सांत्वना के बावजूद भी उसे शांति न मिली। अंत में एक चित्रकार ने एक उपाय सोचा। उसने दो तस्वीरें बनाई। पहली तस्वीर में उसने उस महिला के स्वर्गवासी पुत्र का चित्र बनाया, दूसरी तस्वीर में दुखित माता मरिया का, जिसकी बाहों में ईश पुत्र ईसा मसीह का शव था। उस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, ऐसा दुख किसी भी माता को न मिले। चित्रकार ने पहली तस्वीर उस महिला के समक्ष रखी, जिसे देखते ही उस महिला की आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी। तत्पश्चात दूसरी तस्वीर भी उस महिला के समक्ष रखी गई, जिसे ध्यान पूर्वक देखते ही उसका दुख दूर हो गया। उसने कहा, हाँ, किसी भी माता का दुख मरिया के दुख से अधिक न होगा।
वो अपना सारा दुख भूल गई और माता मरिया के दुख कष्टों पर मनन करने लगी। उसे शांति तथा सांत्वना का एहसास भी हुआ। अभ्यास के लिए, दुख संकट की घड़ी में माता मरिया की शरण में जाएं और शांति तथा सांत्वना पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे माता मरिया, दुखियों की सांत्वना, हम तेरी शरण में आए हैं। इस अपने दुख एवं कष्टों के निवारण हेतु तेरी ममता मई सहायता की खोज में हैं। हमें कृपा दिला कि हम इस दुखपूर्ण संसार में तेरी सांत्वना पाकर शांति तथा प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके और इस जीवन यात्रा के पश्चात अनंत जीवन का सुख प्राप्त कर सके। आमीन।